Mangalmati student, we are studying chapter number 8, whose name is Cell Structure and Function. Chapter 7 aapka complete ho gaya hai, Conservation of Plants and Animals. Aur chapter number 8 hum start kar rahe hain. Isme cell ke bare mein, cell kya hoti hai, uska structure kaisa hota hai aur uske functions kya kya hai, iske bare mein hum chapter mein study karenge. To sabse pehle cell ke bare mein study karenge, cell kya hoti hai. Cell kya hai? Basic structure and functional unit of living organism. किसी भी living organism की जो basic unit है, structure unit है और function unit है. Structure इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर पूरा living organism का structure तैयार होता है. और function इसलिए क्योंकि इसके जो function हैं basic function हैं जो कि living organism के functions होते हैं. तो इसलिए इसको फंक्शन यूनिट कहते हैं और बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक वैसे ही ये बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट है जैसे कि कोई बिल्डिंग तैयार होती है. तो बिल्डिंग किससे तैयार होती है? उसमें बेसिक चीज क्या होती है? ईंटें होती है, ब्रिक होती है. तो ब्रिक से ही पूरी बिल्डिंग तैयार होती है. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिल्डिंग में ब्रिक लगती है उसी प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल होती है. तो ब्रिक से पूरी बिल्डिंग तैयार होती है और सेल से पूरी बॉडी जो है तैयार होती है. डिस्कवरी ऑफ सेल. तो सेल की डिस्कवरी खोज कैसे हुई, किसने की खोज? तो सेल की जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई, खोज हुई, वो 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की. उन्होंने कैसे की? उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क का पीस लिया, एक जैसे कि ब्रेड की स्लाइस होती है इसी तरह से स्लाइस ऑफ कॉर्क लेते हैं, उसकी पतली एक लेयर ली और उसको उन्होंने स्टडी किया. इसमें एक सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें उन्होंने स्टडी किया. सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास को ही सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, उनका इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो इसलिए सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास था उसी से उन्होंने जो कॉर का पीस लिया था उसका स्टडी किया. तो उस स्टडी में उन्होंने क्या देखा, उस स्टडी में उन्होंने ऐसे देखा जैसे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, बीहाइव होता है, तो जैसे वो होता है उसको आपने ध्यान से देखा होगा, तो ठीक वही उसमें कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे 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 अलग अलग जो है पोर्शन होते हैं जिनको कंपार्टमेंट कहते हैं. तो इसी प्रकार से उन्होंने जो कॉर का पीस लिया था उसमें भी वही चीज दिखाई थी उनको. तो बाद में उन्होंने इसको सेल नाम दिया. तो तभी से सेल की डिस्कवरी हुई. सेल नंबर क्या होता है? सेल नंबर का मतलब नंबर ऑफ सेल. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल होती है. तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा में केवल एक ही सेल होती है. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसमें मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत से प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती है. तो हमारी बॉडी भी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है. तो हम भी क्या हुए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नाउ शेप ऑफ सेल. सेल की शेप के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी के अंदर सेल होती है उनकी शेप भी डिफरेंट होती है. जैसे कि अमीबा और WBC. अमीबा और WBC की ग्रुपों में वाइट ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं. तो वाइट ब्लड सेल्स और अमीबा इनकी जो सेल की शेप होती है वो इरेगुलर होती है. इरेगुलर का मतलब कि एक जैसी एक सी शेप नहीं होती, चेंज होती रहती है. और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स कौन सी कैसी होती है उनकी शेप? वो राउंड और स्फेरिकल होती है. जो नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल एलोंगेटेड यानी लंबी होती हैं और ब्रांच होती है. जैसे ट्रीज होता है, ट्री की ब्रांचेज होती है, ऐसी जो नर्व सेल होती है उसमें भी ब्रांचेज, छोटे ब्रांचेज निकले आती हैं. सेल साइज. सेल का साइज के बारे में आप स्टडी करेंगे. तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल का साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे जो नर्व सेल है
नर्व सेल का जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल होते हैं उनका साइज लार्जेस्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल की सेल्स होती है उनका साइज छोटा होता है, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं वो भी बहुत छोटी होती हैं, और जो सेल का साइज होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई मैच नहीं करता है, वो सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि एलिफेंट है तो बहुत बड़ा एनिमल है तो उसके जो अंदर बॉडी के अंदर सेल है उनका साइज भी बहुत बड़ा होगा, या जो रैट है चूहा है उसका साइज छोटा है तो उसके सेल का साइज भी छोटा होगा, ऐसा नहीं है। तो सेल का साइज ऑर्गन के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ऑस्टिच है, ऑस्टिच एक बर्ड जो जो जिसकी जो एग होता है उसकी जो शेल का सेल का साइज सबसे बड़ा होता है। तो सेल का साइज माइक्रोन से लेके सेंटीमीटर तक होता है, कुछ सेंटीमीटर तक होता है। तो 170 mm और 130 mm का इसकी जो ऑस्टिच की एग आती है उसकी सेल का साइज होता है। तो स्टूडेंट आज हमने सेल के साइज शेप उसकी डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया, इसको आप केयरफुली स्टडी कीजिए और कुछ कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।